कुछ भी कर मोमो, एक बात ध्यान रहे, तीनों लड़कों के कमरे एक जैसे होने चाहिए। अरे एक से तो है, बस विवेक का ऊपर है तो प्रेम और विनोद के नीचे है। प्रेम और विनोद को भी कमरे ऊपर मिलने चाहिए, उन्हें गार्डन का टॉप व्यू क्यों ना मिले। हाँ, हाँ, वरना इन्हीं चीजों को लेकर आगे चलकर बेटे बहुओं में महाभारत शुरू हो जाती है रानी। मगर उफ़ो दिस बहुज ना, फॉरगेट इट। ये तो हंस रही है। मम्मी अंकल आए हैं। नमस्कार भाभी जी। आइए आइए भाई साहब। हेलो। अरे ये तकलीफ आपको कब से हो गई? माफ कीजिए भाभी जी, लगता है कुछ दिनों से समय ही खराब चल रहा है। ले आओ भाई। जन्माष्टमी की मिठाई लाया हूँ, आगरे का पेठा। लाइए ना लाइए। भाई मुम्मू के तीनों समधियों में से भैया जी हमारे फेवरेट समधी हैं। साधना बेटी ऑफिस में पापा को खबर कर दो, भाई साहब आए हैं। ना ना उनको काम में डिस्टर्ब मत करना बेटी, दरअसल मुझे भाभी जी से ही काम है। सबसे पहले आप हमारा एक काम कीजिए भाई साहब जी, आप ही बताइए विवेक विनोद और प्रेम तीनों को सब कुछ एक जैसा मिलना चाहिए कि नहीं। माफ कीजिए, अब घर के मामले में मैं क्या कहूँ? आपको कहने का पूरा हक है भैया, आखिर बेटे दे रहे हैं। हाँ सही बात है। तुम लोग तो हर छोटी छोटी चीज के पीछे पड़ जाती हो। भाई साहब मैं अभी आई। हेलो मम्मी, मैं संगीता। संगीता लो, मैं तो तुझे सुबह से बड़ा याद कर रही थी। आनंद बाबू और बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है मम्मी। वो तेरी तबीयत तो ठीक है बेटी? हाँ मम्मी। विवेक भैया है? वो तो ऑफिस में है। अच्छा मैं उनसे वहीं बात कर लेती हूँ, कोई खास बात नहीं मम्मी। अच्छा खबर मत संगीता, आनंद बाबू से बात करा। सिंह साहब कुछ जरूरी काम निकला है, ये बाद में डिस्कस कर लेंगे। कल आनंद बाबू और अनुराग बाबू के बीच क्या बात हुई ये तो ठीक तरह से पता नहीं चला बाबा, लेकिन संगीता और आनंद बाबू काफी परेशान लग रहे थे, उन्होंने मुझे वहां बुलाया पापा। संगीता तू रो क्यों रही है? आनंद बाबू क्या बात है? आप तो जानते हैं पापा, हमारा शुरू से ही प्यारा सा संयुक्त परिवार रहा है, अनुराग भैया, ज्योति भाभी, संगीता मैं, तीनों बच्चे। कभी कोई भेदभाव, कोई मनमुटाव नहीं रहा हमें, पर जब से अनुराग भैया ने हमें फोन करके रामपुर से बुलाया वे कुछ बदले बदले से लगे। मैं समझा काम का टेंशन होगा, पर कल उन्होंने बुलाकर कह दिया कि अब हम अलग बिजनेस, अलग घर ढूंढ लें। अनुराग बाबू ने ऐसा कहा? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। ये सच है मम्मी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद मेरा काम हमेशा टेक्निकल ही रहा, और ये कंपनी के सारे अकाउंट, सारा फाइनेंस संभालते रहे। कब उन्होंने कंपनी की सारी प्रॉपर्टीज, सारे शेयर्स अपने नाम करवा लिए हमें पता ही नहीं चला। ये बताइए आनंद बाबू, आपके पिताजी की कोई वसीयत थी, कोई विल? नहीं अंकल। तो माफ कीजिए आनंद बाबू, अनुराग बाबू को कोई कानूनन हक नहीं बनता इस तरह सब कुछ छीन लेने का। हम अदालत में जाएंगे, हर चीज का बंटवारा होगा, आपको अपना हक मिलकर रहेगा जी। नहीं अंकल। नहीं? जिस बिजनेस को पिताजी ने इतने शौक से, इतनी मेहनत से शुरू किया था, उसका नाम मैं अदालत में नहीं ले जाना चाहता। और फिर अपने भैया से कैसा झगड़ा अंकल? मगर आनंद बाबू ये आपकी जिंदगी का सवाल है। जिंदगी फिर से शुरू की जा सकती है मम्मी, हमने सोचा है कि हम बैंगलोर शिफ्ट हो जाएंगे, वहां कंप्यूटर्स की ग्रोइंग इंडस्ट्री है, मेरे कई दोस्त हैं, कोई नया काम शुरू कर लूंगा। नया काम शुरू करना इतना आसान नहीं है आनंद बाबू। हाँ और उस पर संगीता और राधिका की जिम्मेदारी भी तो है। ये सोचकर एक बार मेरा मन डगमगाया जरूर मम्मी, तब मैंने विवेक भैया को बुलाया, जब इन्होंने भी मेरे फैसले का समर्थन किया तो मैं अनुराग भैया का आशीर्वाद लेकर चला आया। हमने ठीक किया ना पापा,
आनंद बाबू। पापा हम सबको आप पर नाज है। थैंक यू पापा। बस अफसोस है तो इतना अपनों का साथ छूट गया। नहीं आनंद बाबू अपने फिर एक होंगे। बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है। आजा आजा गुड़िया। ये आजा बेटा आजा आजा। थैंक यू भाभी। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है भाई साहब। सुनिए अनजाने शहर में यू अकेले आनंद बाबू कैसे काम जमा पाएंगे? घबराने की कोई बात नहीं मम्मी। पापा मेरी अभी अभी फोन पर मिस्टर रिचर्ड से लंदन बात हुई है। संगीता वे हमारे एजेंट है जो कंप्यूटर्स में भी डील करते हैं और वो चाहते हैं कि उनके साथ मिलकर आनंद बाबू उनका पूरा साउथ इंडिया का बिजनेस संभाले। वेरी गुड। और फिर बैंगलोर में रहने का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अपना फ्लैट है। संगीता बेटी आराम से रहना। मम्मी विनोद और मैं आज ही बैंगलोर जा रहे हैं। आनंद बाबू और संगीता को सेटल करके लौटेंगे। अच्छा आनंद बाबू इन मुश्किल की घड़ियों को भी एक इम्तिहान समझिए। देखिएगा इसमें भी कोई भलाई छिपी होगी। ये लो बेटी। नानी नानी दो और ले लूं? हाँ हाँ लो ये लो। एक राजू भैया के लिए एक बबलू भैया के लिए। जब मैं उनसे मिलूंगी तब दूंगी। राधिका राजू बबलू को बहुत मिस करेगी भाभी। आओ संगीता चले। जी भैया। अच्छा मम्मी अपना ख्याल रखना बेटे। आओ सुखी मीना ज्ञानी अगाधा जिमी हरि शरण नए को बाधा काल धर्म नहीं व्यापहिताही रघुपति चरण प्रीति अति जा। सुना हुमाते लोग अभागी। भाभी जी बड़ी घबराहट हो रही है। क्यों? जो आनंद बाबू के साथ हुआ वो इस घर में हमारे साथ ना हो जाए। मैं समझी नहीं भाई साहब। भाभी जी आपको यही बात समझाने तो मैं रामपुर से यहाँ आया था। रामकिशन जी विवेक बाबू को मैनेजिंग डायरेक्टर बना रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन कहीं आगे चलकर भाई भाई में कोई ऊंच नीच हो गई तो? ये कह रहे हैं मुमू कारोबार की बागडोर पाकर कहीं विवेक ने भी प्रेम और विनोद को आशीर्वाद देकर घर से विदा कर दिया तो? शांति विवेक अपने भाइयों को जान से भी ज्यादा प्यार करता है। माफ कीजिए भाभी जी सत्ता मिलने पर प्यारे से प्यारा इंसान भी अपने रंग बदल लेता है। हम सब तो अनुराग बाबू के गुण गाते थे, क्या हुआ? कृष्णा जी सच कहूं मुझसे तो आज संगीता बिटिया का उदास चेहरा देखा नहीं गया। मुझे तो सोच के रोना आता है भैया। जरा सोचिए जिनके दोनों बच्चे संगीता के आंचल में पले हमारी मुमू के गोद में खेले उन्होंने ऐसा किया वो भी अपने सगे भाई के साथ। जब सगा सगे के साथ ऐसा कर सकता है मुमू तो ये मत भूलो विवेक तो सौतेला है। शांति जो सच है तुम उसे झुटला नहीं सकती ममता। हाँ भाभी जी आज आनंद बाबू पे इतनी मुश्किल आ पड़ी। उन्होंने विवेक बाबू को बुलाया पूछा कि बताए अच्छा क्या है बुरा क्या है और क्या किया हमारे विवेक बाबू ने। सच बताइए भाभी जी वाकई उनका एक भाई का दिल होता तो क्या छोड़ देते बहन को बीच मजदार में? लड़ते क्या नहीं करते उसका हक दिलवाते यूं ही हाथ नहीं धो बैठते अपनी बहन की जिम्मेदारी से? भाभी जी आपका और रामकिशन जी का दिल बहुत बड़ा है। बेटी और जवाई का दुख मुस्कुराते हुए सह गए।
लेकिन यदि प्रेम बाबू या विनोद बाबू के साथ ऐसा कुछ हो गया तो ये गम प्रीतम जी और हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। भाभी जी, हमने अपनी बेटियां आपको सौंप दी हैं, अब उनका सुख सौभाग्य सिर्फ आप ही के हाथ में है। ये क्या कर रहे हैं आप भाई साहब? वॉन कर रहे हैं तुम्हें मम्मू। विनोद तो लड़ झगड़ कर फिर भी अपनी बात मनवा लेगा, मगर प्रेम क्या हम उसे नहीं जानते? दुनियादारी से बहुत परे है बेचारा, पर सोल, जरा इसकी तो सोच। हाँ, कहने को तो राम किशन जीजा जी का सपना बड़ा सुहाना है, सब बेटे बहुएं खुशी से साथ साथ रहे, पर क्या ये संभव है? तीन बहुएं बिना झगड़ा किए कहीं एक साथ रही हैं? भैया एक घर बता दो। और ये ना भूलो मुमू, जिस लड़के की दफ्तर में चलती है घर में राज उसी की बीवी का होता है। आगे चलकर साधना ने प्रीति और सपना को अपनी उंगलियों पर नहीं नचाया तो मेरा नाम बदल देना। मैं तेरी जगह होती मुमू तो विवेक और साधना के हाथों परिवार की बागडोर कभी नहीं जाने देती। क्योंकि सच तो ये है कि तू विवेक और साधना से कितना भी प्यार कर ले, अपना अपना होता है और पराया पराया। करी